दो के आधे घंटे का रास्ता है मैक्स टू मैक्स। ये मक्खन लगा के आलू का पराठा और विद ठंडा दही। बोला की पाया है सानू मात कर दीता। आई थिंक ये पिलग्रिम्स है माना सागर लेक। ये देखिए आई लव अजमेर लिखा हुआ है। पेरिस का एफिल टावर। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हैं आप लोग, स्वागत करता हूँ फिर से एक नए वीडियो में। तो आज हम आ गए हैं जयपुर से, हम लोग निकल रहे हैं बेसिकली आज पुष्कर फेयर, जो आपने सुना भी होगा पुष्कर मेला 2022 के लिए आज निकल रहे हैं हम लोग। भी टाइम हो गया है 7:15। तो फिलहाल देखिए मौसम कितना खूबसूरत है, हल्की हल्की ठंडी है। तो इस मौसम में हम लोग निकल रहे हैं अभी। और ये है जयपुर से 140 किलोमीटर के आसपास, 140-150 किलोमीटर के आसपास है। चलिए मैं मिलता हूँ आपको गोप्रो मोड पे। तो गाइस हम लोग निकल चुके हैं पुष्कर मेले के लिए एंड ये 137 किलोमीटर है अभी हमारे जयपुर से जहाँ से मैं निकल रहा हूँ। ये बेसिकली अजमेर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और अजमेर जो है उससे ये 10 किलोमीटर है। आपको ये पड़ेगा 150 किलोमीटर के आसपास। तो आपको 2-2.5 घंटे लगेंगे। तो अर्ली मॉर्निंग राइड निकाल रहे हैं हम लोग, मेला कवर करेंगे, मेला दिखाएंगे आपको कि क्या सा क्या होता है पुष्कर मेले में, क्या होता है। सुनने में आया कि इस बार तो रौनक थोड़ी ज़्यादा है। बस ये भी सुनने में आया कि आज बेसिकली पुष्कर मेला होता है कैटल्स के लिए, जो पशु होता है उनके लिए होता है। बट सुनने में ये आया कि पशुओं का जो मेला है ये तो पशु ही नहीं है इसके अंदर। क्यों? क्योंकि लंपी करके एक डिज़ीज़ है जो फैला हुआ है, कोई उसमें इफ़ेक्ट नहीं करना चाहेगा अपने जानवर को या इंसान, अपने आप खुद की जान को भी हिफाजत में रखना पसंद करेगा। तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है अभी ये वहाँ जाके ही क्लियर पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं है। गाइस ये है NH-48 जयपुर जोधपुर हाईवे। और इनका फ़ायदा ये है कि ट्रैफिक नहीं मिलता है आपको सुबह सुबह, और ये है कि मौसम ठंडी आप कहीं भी पहुँच सकते हो, क्योंकि दिन में धूप हो जाती है एंड उसके बाद ट्रैवल करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि एनर्जी ड्रेन होती है दिन में और ट्रैफिक भी ज़्यादा होता है, पेट्रोल भी खर्चा होता है और सब चीज़ का नुकसान ही होता है। अर्ली मॉर्निंग निकले एंड जल्दी बिफोर नाइट आप लोग अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँचें एंड यू फील सेफ राइड करें, सेफ चलें, ट्रैफिक रूल्स का प्रॉपरली फॉलो करें, बहुत ज़रूरी है। सो गाइज हम लोग पहुँच चुके हैं अभी गाड़ौता। अभी यहाँ से पुष्कर 100 किलोमीटर के आसपास है एंड यहाँ से दूधू है 25 किलोमीटर के आसपास, जो कि आधे घंटे का रास्ता है मैक्स टू मैक्स। तो अभी हम लोग चाय एंजॉय कर रहे हैं और उसके बाद मिलेंगे आपको, मे बी शायद दूधू में मिलेंगे हम आपको और एल्स उसके आगे फर्दर डेस्टिनेशन में मिलेंगे। चलिए चाय एंजॉय करते हैं तब तक। तो गाइस हम लोग चाय पी के अभी आगे निकल चुके हैं गाड़ौता से एंड अभी यहाँ से 2 घंटे का रास्ता दिखा रहा है आसपास, 99 किलोमीटर बचा है। तो अप्रॉक्सीमेटली 10 तक हम लोग पुष्कर में होंगे। गाइस हम लोग वहाँ से 42 किलोमीटर और आगे आ गए हैं, बंदर सुंदरी करके एक जगह है वहाँ पे पहुँच दिया है। तो अभी देखते हैं कुछ खाने पीने के लिए, देखते हैं क्या मिलता है, बाइक को भी रेस्ट मिल जाएगा। यहाँ से किशनगढ़ होगा 20-25 किलोमीटर के आसपास होगा। तो चलिए देखते हैं अभी क्या मिलता है खाने को, तो फिर आपको मिलते हैं टेबल पे। सो गाइस फाइनली टेबल पे आ चुका है, कितना खूबसूरत पराठा देखिए। तो गाइस ये है मक्खन लगा के आलू का पराठा और विद ठंडा दही एंड हमने डाल लिया है जीरा। आप है तो ये हमारा आज का ब्रेकफास्ट रहेगा। सो गाइस हमने अपने खाना खा चुके हैं, ये देखिए बहुत लजीज आलू का पराठा एंड मिला हमें दही के साथ और होममेड दही था। और ये जो अंकल सामने दिख रहे हैं इन्होंने खुद ने बनाया है जो आलू के पराठे, मतलब ऐसा नहीं है कि दही भी बाहर से नहीं है, खुद का बनाया हुआ दही है एंड जो आलू का पराठा है खुद ने, पहले इन्होंने मसाला टेस्ट करवाया मुझे अलग से हाथ में ले जाके और उसके बाद इन्होंने उसको, हमने जब फाइनलाइज कर दिया उस मसाले को उन्होंने, उसके बाद इन्होंने बनाया उसको। तो अंकल कुछ बताइए कि ना मैं बताऊँ आज के करीबन कोरोना के पहले लेडीज आई फॉरेनर लेडीज, अच्छा जिस तरह से मैंने आपको मसाला टेस्ट कराया ना उसी तरह से मैंने वो कहीं विदाउट स्पाइसी चाहिए हमको, अच्छा तो विदाउट स्पाइसी का मसाला बनाया। हाँ। तो मैंने उनको जो ही मसाला टेस्ट के लिए दिया उसने मेरा हाथ लेकर के मेरे हाथ को
पूरा चाट गई। अरे वाह अरे वाह, हकीकत बात बता रहा हूँ। अच्छा, और एक को पंजाबी वाला बताया ना, आपको बताया ना पंजाबी वाला। तो तीन कॉलेज भर के आई आज के करीबन 8-10 साल पहले। अच्छा अच्छा, पंजाबी थे तो उन्होंने बोला कि हमारे को गुजराती वो चाहिए नाश्ता। मैं समझा नहीं वो क्या मांग रहे हैं। अच्छा, तो जबकि वो तो मेरे को मालूम पड़ गया कि वो फाफड़ा मांग रहे थे। अच्छा। मैंने कहा मेरे पास तो वो नहीं है, आप तो हमारे यहाँ सैंडविच खाओ। अच्छा। पराठा खाओ और कटलेट ले हो या वो खाओ। तो मैंने देखा यार पंजाबी है। अच्छा, तो मैंने कहा यार तंदूर के पराठे खाओ, आप तंदूर के पराठे आप बहुत शौकीन होते हो पंजाबी लोग, तंदूर के पराठे खिलाऊंगा तो आपको बहुत मजा आएगा और बहुत ही अच्छे होंगे। अगर बहुत अच्छे होंगे तो ही पेमेंट करना। तो उसमें से एक गुट्टी लेडीज थी, वो बोली तंदूर के पराठे तू की खिलाएगा सानू, तंदूर भी दे नहीं साढ़े पंजाबी है की। अच्छा, अच्छा। तो मैंने बोला कि माता राम अगर बहुत अच्छे हो पराठे तो ही पेमेंट करना। तो बोला काते काते हैं। तो ये सर्दी का सीजन था, मूली का, गोभी का, पनीर का, प्याज का, आलू का और ऐसे करके 7 तरह के पराठे, दाल का पराठा ऐसे करके और पनीर का अचार। कोई नहीं बनाता पनीर का अचार, हम बनाते। अच्छा। पनीर का अचार। तो उसने क्या बोला, पराठा खा करके बोले पुत्रा कितने ही बोले बोला कि कादे 7 पराठे बना दिए मैंने। अच्छा। तो फिर बोले यार और बना 7 जी, 7 और बनाए। तो 7 जने वो थे, 3-3 पराठे खा गए। फिर वो बुला के बुलाई पुत्रा इतने आई बोले की पाया है सानू मात कर दीता। मैंने कहा मेरे प्रेम का रस घोल करके आपको खिलाया माता राम। तो उसने बोला सानू मात कर दीता। तो मेरे को बहुत हार्दिक खुशी हुई। तो ये इसकी कहानी थी। ये मतलब कब से अंकल ये है 72 से है। ओहो, देखिए तो ये ऐतिहासिक हो गया एक तरह से, 72 से हो गया, मतलब बहुत लंबा अरसा हो गया ये। हाँ, 50 साल के आसपास हो गया। और ग्राहक से अभी हम आपसे भी यही कहा बहुत अच्छा हुआ तो पेमेंट लेना। देखिए देखिए कितना मतलब, तो यही बोला था आपके साथ ही है इनको। इनको यही बोला था, यही बोला था पेमेंट अच्छा लगे, अच्छा नहीं बहुत अच्छा लगे तो ही पेमेंट लेना वाकई में। तो ये सीन है अभी हमको तो बहुत पसंद आ गया है। मैं आपको लोकेशन दिखाता हूँ ये कौन सी जगह पड़ता है। एक बार मैं अंकल से बताता हूँ कि कौन सी जगह है। अंकल बता दीजिए कहाँ पे ये माता सिंधी होटल श्रीनाथ, अजमेर से 46 किलोमीटर, जयपुर से 86 किलोमीटर। अच्छा। और दूधू से 22 किलोमीटर। अच्छा। और सेंटर यूनिवर्सिटी नियर बाद में। अच्छा अच्छा अच्छा, सेंटर यूनिवर्सिटी बाद में पुलिस थाना बिल्कुल 150 कदम पे है। अच्छा, क्या नाम है अपने ढाबे का? होटल श्रीनाथ। होटल श्रीनाथ, होटल श्रीनाथ। गाइस ये होटल श्रीनाथ है, जैसा कि अंकल ने आपको बताया कहाँ पर है ये। ये देखिए आप, मैं दिखा सकता हूँ आपको होटल श्रीनाथ रेस्टोरेंट। और जो लोकेशन मैं आपको दिखा रहा हूँ ये देखिए बांदर सिंदरी। अगर आपको ठीक से समझ नहीं आया तो मैं आपको लोकेशन ड्रॉप भी कर दूँगा ऑनलाइन। एक बार मैं आपको लोकेशन पे लेके जाता हूँ जो वो है बांदर सिंदरी। तो गाइज हमें इतना पसंद आया ये खाना कि अंकल मतलब बहुत डाउन टू अर्थ हैं और इनकी अलग ही फन है। इनकी जो बात करते हैं उसमें बहुत अलग फन है। तो ऐसा कुछ होटल है तो बहुत पसंद आया मुझे ये। तो ये है अंकल, ये खुद बनाते हैं खुद खिलाते हैं। मेरा बेटा बनाता है, मेरी बहू बनाती है। तो अंकल नाम क्या है आपका? मेरा नाम शंभू दयाल टाक। अच्छा अच्छा, तो ये राजस्थान से ही है, ये इनके बेटे हैं। और ये इन्होंने किचन है ये इनका, तो खुद बनाते हैं खुद सब। बहू बनाती है, हम बनाते हैं। ये इनका फैमिली बिजनेस है। फैमिली बिजनेस है। तो आप, आई वुड सजेस्ट कि आप लोग यहाँ पे आएँ। देखिए पूरा मतलब बहुत बड़ा सा इलाका है ये, देखिए पूरा बहुत बड़ा होटल है। आप यहाँ बैठ सकते हैं, चाहे यहाँ बैठ सकते हैं, चाहे वहाँ बैठ सकते हैं। तो पूरा इन्हीं का है, सिटिंग एरिया है। हम लोग यहाँ बैठे थे एंड ये देखिए कितना बड़ी जगह है। ये नॉर्मल बेड नहीं है, जिससे हम राजस्थान में इसको दीवान बोलते हैं जितना मुझे आइडिया है। क्यों? ये देखो, ये देखिए खुद का गेहूँ है, खुद का आटा। ये तो तिल है। अच्छा, ये देखो तो ये इनका खुद का प्रोडक्ट। मिर्ची मसाले खुद पीसते हैं, हल्दी खुद पीसते हैं। हाँ। सब खुद ही का मसाला है, वही टेस्ट है हमारा। अच्छा अच्छा, मेन टेस्ट वही है जो घर के मसाले होते हैं। तो ये है इनका यहाँ का टेस्ट का राज।
जो अंकल ने मुझे बताया अभी। चाय पियो तो तुलसी पत्ता हमेशा। अच्छा हाँ, और पीछे बहुत सारी तुलसी उग रखी है पीछे। अच्छा, तो इनकी चाय भी स्पेशल होती है क्योंकि तुलसी का पत्ता डालते हैं जैसे इन्होंने बताया। अदरक अच्छा अच्छा, तो तुलसी का पत्ता तो मुझे जितना आइडिया है कि कोई नहीं डालता है, मुझे जितना जगह चाय पी है। देखिए तुलसी का पौधा भी उगा रखा है इन्होंने और इनके बैकयार्ड पे बहुत सारा तुलसी का पौधे हैं, तो ये तुलसी का पत्ता डाल के चाय बनाते हैं, जो मैंने तो आज तक कहीं नहीं पी है घरों के अलावा। अभी नहीं, अभी नहीं, अभी तो दही पी के एकदम सेट हो गए। अरे आते हुए कल आएंगे हम, तो कल आएंगे अभी। देखिए कि ना हमने क्या लंच अपना पूरा खा लिया, उसके बाद वीडियो बना रहा था, उसके बाद जैसे हमने देखा कि मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे मतलब पैसे ही नहीं ले रहे हैं, फिर हम लोग बहुत ज़्यादा इंसिस्ट कर रहे हैं, तो जाके बोले कि ना हमारा क्या 200 रुपीज़ हुआ है, तो बोले कि 100 रुपये दो बस उससे ज़्यादा नहीं, लेकिन हम लोग पूरा पेमेंट करेंगे क्योंकि जो प्रोफेशनलिज्म यही बोलता है कि 200 है तो 200 ही देने का है। मैं चाहता हूँ कि एक बार ज़रूर अजमेर जा रहे हो जयपुर से या अजमेर से जयपुर जा रहे हो तो इस रास्ते पे ये होटल श्रीनाथ ज़रूर पड़ता है, तो एक बार कुछ खाएं चाहे ना खाएं लेकिन अंकल से मिलने ज़रूर आए। इनका नेचर बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा नेचर ऐसी होता है। अच्छा ये इनके पोते, ये फैमिली बिजनेस चल रहा है बेसिकली, तो ये अंकल है, इनके बेटे हैं और उनके बेटे ये हैं, तो इनका फैमिली बिजनेस है। यही नहीं कि प्रॉपर्टी है, मैं दिखाता हूँ आपको, ये सारा कुछ इन्हीं का ही प्रॉपर्टी है, और जैसा कि मैंने आपको बताया 72 से ये काम कर रहे हैं यहाँ पे। देखिए कितना बड़ा प्रॉपर्टी है। अच्छा ये भी आप ही का है, ये देखिए कितना बड़ा प्रॉपर्टी है इनका, और यहाँ पे पूरा खेत है इनका, और तुलसी के पत्ते भी आ गए हैं, ये देखिए पूरा देख सकते हैं इन्हीं का ये पूरा सारा। जैसा कि मैंने बताया खुद सेल्फ मेड चीज़ें बनाते हैं, मतलब बाहर से कुछ भी नहीं है, सारा मसाला खुद ने बनाया है। कटलेट और खाना दाल बाटी चूरमा राजस्थानी दाल बाटी चूरमा बहुत बढ़िया, और फुल गारंटी बहुत अच्छा होगा तो ही पेमेंट लेंगे। देखिए अच्छा नहीं बहुत अच्छा होगा तो ही लेंगे, तो जिस तरह से ये बोल रहे हैं उसी तरह से मुझे भी बोला था इन्होंने। तो गाइस चलते हैं हम लोग अभी, अच्छा मस्त खाना खा पी के फिर निकलते हैं अभी, तो अभी 10:15 यहीं पे हो गए हैं। वैसे हमको हम 10 बजे पहुँचने वाले थे लेकिन खाना वाना अच्छा मिल गया, क्योंकि हमको मालूम नहीं होटल में कैसा मिलेगा, बल्कि यहाँ पे बाय लक बाय चांस हमको बहुत अच्छा खाना मिल गया, तो अभी चलते हैं आगे, अंकल से अलविदा कहते हैं। ठीक है अंकल, ये देखिए। ओके तो चले चलते हैं नेक्स्ट स्टॉप पे, अभी यहाँ से 45 किलोमीटर के आसपास है अजमेर पुष्कर। गाइस जितने भी लोग आपको दिख रहे हैं आई थिंक ये पिलग्रिम्स हैं। गाइस हम लोग पुष्कर पहुँच चुके हैं थे आधे घंटे पहले, बट यहाँ पे स्टे नहीं मिल रहा है क्योंकि यहाँ पे सारा कुछ प्री बुकिंग हो चुकी है सब चीज़ सब होटल्स की, एंड जो भी होटल मिल रहा है वो ओवर प्राइस मिल रहा है, सो ओवर प्राइस रूम लेने से बेटर है कि मेरी नानी जी पास ही में रहती हैं, तो मैं नानी जी के घर जा रहा हूँ, तो अभी टाइम हुआ है 1:15, अभी हम नानी जी के जा रहे हैं, उसके बाद शाम को देखेंगे 5-6 बजे के तरफ वापस आएंगे, और मेरी नानी जी का घर यहाँ से 20 किलोमीटर के आसपास है। तो गाइस ये है पुष्कर का रास्ता, तो गाइस ये पूरा पहाड़ों के रास्ते हम जा रहे हैं, पूरा ये मुझे याद दिला रहा है उत्तराखंड के पहाड़ों का, जो मैंने अभी लास्ट मसूरी ट्रिप किया वही का पहाड़ है ये, अरावली माउंटेन्स ही हैं। एक बजने में 10 मिनट है अभी, महाराणा प्रताप स्मारक अजमेर में, अभी जो मौसम है थोड़ा हैपनिंग है। देखिए मौसम के साथ साथ ये जो नज़ारे हैं वो बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। हम लोग जल्दी पहुंचने की कोशिश करते हैं क्योंकि हमको शाम को वापस आना है, और आपने देख ही लिया पहाड़ी रास्ता है, तो हमको रात को विजिट भी करना है, एंड आई डोंट नो कितना पब्लिक रहेगा, क्योंकि जितना मैं मालूम चला है अभी, क्योंकि हमारा एक दोस्त मिल गया था यहाँ पे, तो हमें उसके थ्रू मालूम चला है कि क्राउड बहुत ज़्यादा है, जूते तो चोरी होते ही हैं उसके साथ साथ स्लीपर चोरी हो रही है यहाँ पे। तो गाइस आप ये तो देख रहे हैं सारा कुछ, ये है आना सागर झील, आना सागर लेक, ये देखिए आई लव अजमेर लिखा हुआ है।
हमें अभी इसको पूरा क्रॉस करके फिर जाएंगे मदार। देखिए पूरा अजमेर दिखा रहा हूँ मैं आपको। वैसे मैं अजमेर आऊँगा, मैं थोड़ा दिसंबर के आसपास मैं अजमेर विज़िट करूँगा, बट अजमेर आने से पहले मैं आपको ये सब दिखा रहा हूँ। ये है अनासागर लेक, एंड ये भी कुछ आई थिंक रेलवे का कुछ है। गाइस एक नया प्लेस बना था, ये देखिए आप, सेवन वंडर्स करके है जो जगह। तो ये है पेरिस का एफिल टावर, एंड वो है अमेरिका की ऑफ लिबर्टी, ये है पीसा की मीनार, एंड सेवन वंडर्स का भी कुछ है। ये पहले इतना डेवलप नहीं था जितना मुझे आइडिया है। मैं लास्ट 3 या 4 साल पहले अजमेर आया था, बट उसके बाद से काफ़ी टाइम हो गया मैं अजमेर नहीं आया, लेकिन देखिए कितना खूबसूरत बना दिया है अभी। आई थिंक ये वैशाली नगर है, काफ़ी पॉश कॉलोनी है अजमेर की, मुझे ऐसा लगता है। वैसा ही चलता रहेगा। तो गाइस मेहनत जारी है, वर्किंग हार्ड।